नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रांसलेशन सेक्शन पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इट स्पेशल के बारे में। इट स्पेशल से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस आज हम ट्राई करेंगे, जैसे कि आज सोमवार है, कल रविवार था, जनवरी का महीना, इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इट की सहायता से। तो आइए देखते हैं वो इट स्पेशल का स्पेशल यूज कैसे होता है ट्रांसलेशन सेक्शन में। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस आया, हमें किसी से बातचीत करनी है, उस बातचीत में ये बताना है कि आज सोमवार है, तो इट का इट स्पेशल का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं सेंटेंसेस के रूप में वो देखते हैं। जैसे कि आज सोमवार, इट इज मंडे टुडे, हमने एक सिंपल से जहन में लहजा रखते हुए बोल दिया इट इज मंडे टुडे। अब इसी को हम फ्लुएंट वे में कैसे कहते हैं, जब हम बातचीत करते हैं किसी दोस्त के साथ में या किसी अपने ग्रुप में हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें अचानक किसी ने पूछ लिया अरे यार आज क्या दिन है, तो उसमें हमने बातचीत में बता दिया कि यार आज सोमवार था, आज सोमवार है। तो अब यहाँ पर एक शब्द आता है सोमवार था, यार आज बातचीत के लहजे में ऐसे ही कुछ बातचीत आ जाती कि यार सोमवार था। अब ये था शब्द हालांकि सोमवार है बोलना चाहिए उसको, परंतु वहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहा है सोमवार था आज। था पास टेंस हो जाता है, जबकि है का सेंस निकलता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये था और है में क्या रिलेशन है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं साथ में। एक तो इट का सिंपल सा इस्तेमाल है कि इट से सेंटेंस स्टार्ट करके सेंटेंस को पूरा कर दिया जाता है उसके कंटेंट को रखकर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि है में था को बताना, वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि रात 12 बजे दिन निकल चुका था, रात 12 बजे पीएम से एएम लग चुका था, और जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा उस वक्त बज रहे थे सुबह के 9, इसीलिए बोलने वाले व्यक्ति ने है की जगह था शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जिस दिन की बात कर रहा है वो दिन की शुरुआत हो चुकी थी, उस सेंस को लेकर के वो था शब्द का इस्तेमाल कर रहा है अपने ट्रांसलेशन सेक्शन में उस सेंटेंस को बनाते हुए। किसी ने उससे पूछा यार आज क्या दिन है, उसने कहा यार आज सोमवार था, वैसे देखा जाए तो इस तरीके से उसने था शब्द का इस्तेमाल करके सेंटेंस को पूरा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रात 12 बजे की बात को ध्यान में रख करके बात बता रहा था, इसीलिए उसने उस वर्तमान में चल रहे प्रोसीजर को ही था पास्ट टेंस का बता दिया, क्योंकि समय कंटिन्यूस वे में चल रहा है, उस कंटिन्यूस वे को एज ए प्रेजेंट करना प्रेजेंट में भी पास्ट माना जाता है। इसीलिए वो घटना जो वर्तमान में चल तो रही है पर उसकी उसका उन्वान या उसकी शुरुआत कुछ समय पहले हुई, इसीलिए उसको था बोला जाता है। जैसे कि कोई मिस्त्री घर बनाने का काम कर रहा है, परंतु घर दो सेकंड में तो बन नहीं जाएगा, तो उसने शुरुआत कर दी घर बनने की और घर आधा ही बना था, तब तक किसी ने सवाल पूछ लिया, इसीलिए उस वर्तमान के कार्य को भी वो एज अ पास्ट टेंस का इस्तेमाल करके बना रहा है। तो कभी कभी लोग बात बोलते समय या बोलचाल की भाषा में इस तरीके का लहजा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको भी समझना आना चाहिए कि वास्तव में वो क्या समझाना चाह रहा था अपने शब्दों के जरिए। जैसे कि किसी ने पूछा आज सोमवार है, तो सामने वाले ने एक सिंपल सा टेंस बना के बोल दिया इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। अब उसी चीज़ को लहजे में बोले इट वॉज मंडे टुडे, यार आई थिंक बेसिकली देखा जाए तो इस लहजे में बोल दिया, तो वो था का मतलब भी है ही निकलता है, हालांकि शब्द था इस्तेमाल हो रहा है वहां पर, परंतु उसका मतलब है में निकलता है, भले उसमें पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है, वॉज लगाया हुआ, इट वॉज मंडे टुडे, यार इट्स वेरी बोर टुडे। तो इस तरीके से जब कोई लहजा बताता है बोलचाल की भाषा में, बातचीत की भाषा में, या अपने जहनी तौर को के लहजे में कि यार बहुत बोर हो रहा था, उसने में किसी ने पूछ लिया, उसने ऐसे ही फॉर्मली बोल दिया इट वॉज मंडे टुडे, वॉज लगा दिया वहाँ पर, जबकि वो इट इज़ मंडे टुडे बोलता तो भी
तो ज़्यादा परफेक्ट माना जाता, परंतु उसने एक फ्लुएंट वे में एक जो बैठक हुई है उसकी या रौनक बनी हुई है उस भाषा के उस बिहेवियर के उस माहौल के अंतर्गत रहते हुए उसने बोल दिया, उससे बाहर निकाल के अपने आप को नहीं बोला पर्टिकुलर, उसने सबको साथ में रखते हुए ही बोल दिया कि यार हम तो काफ़ी टाइम पे बैठे हैं, आप अभी अभी आए हो ग्रुप में और आप आते से ही पूछ रहे हो कि आज क्या दिन है, तो हमने ऐसे ही बोल दिया। इस भाव को ध्यान में रखते हुए वो सेंटेंस बना देते हैं कभी कभी, तो है कि भाषा को था के जरिए इंडिकेट कर दिया जाता है। किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि सर था का मतलब तो पास्ट टेंस होता है, आप है कैसे मतलब बता रहे हो, तो उसका उत्तर ये है कि जब कोई कार्य की शुरुआत बहुत पहले से हो गई है और निरंतर लगातार चल रहा है, उसी बीच अगर आप उस कार्य के उन्वान के बारे में पूछने लगते हैं तो था में आ जाता है, भले ही वो प्रेजेंट का कार्य हो। इसीलिए इस तरीके के सेंटेंस को वॉज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके भी बना दिया जाता है, वो भी सही ही माना जाता है प्रेजेंट टेंस के लिए। इट वॉज मंडे टूडे यार, वॉट कैन आई डू फॉर दैट, इट वॉज मंडे टूडे एंड आई एम वेरी बोरिंग फील राइट नाउ। तो इस टाइप का जब कोई लहजा बता देता है तो उसको भी कंसिडर किया जाता है एक सही रूप में, क्योंकि वो बताने का तरीका है उसका। अब ऐसे ही कल रविवार था, अब यहाँ पर भी था का इस्तेमाल हुआ है, इट वॉज संडे टुमारो सॉरी यस्टरडे, इट वॉज संडे यस्टरडे, तो यहाँ पर इट का इस्तेमाल भी किया है स्पेशल तरीके से, इट वॉज संडे यस्टरडे, यू नो आई वेंट देयर एंड सम टेक सम ड्रिंक फॉर द इंटरटेनमेंट, कोई बता रहा है बातचीत की भाषा में। तो इस तरीके से जब बोलचाल की भाषा बनती है, दो चार दोस्त मिलते हैं या ग्रुप बनता है या दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इस टाइप का लहजा एक फॉर्मल तरीके से आ जाता है निकल के, तो उसमें कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कहीं कहीं कुछ शब्दों का स्पेशल तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में इट शब्द का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, पर फिर भी इट शब्द से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ट्रांसलेशन करते समय, और उसकी मदद से हम सेंटेंस को पूरा बोल पा रहे हैं, अपने भावों को संप्रेषित कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम कुछ सेंटेंस अभी देखते हैं, जैसे कि आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे, कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे, कल मंगलवार होगा, इट विल बी ट्यूसडे, जनवरी का महीना है, इट इज़ जनवरी, 10 तारीख है, इट इज़ 10 दिसंबर 07, 1945 का वर्ष था, इट वॉज 1945। तो इस तरीके से जब हम बातचीत के लहजे में अपने आप को ढालते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस घर में ही या दोस्तों के बीच में होती है। अगर आप ऐसे अकेले रट्टा मारने बैठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा बेहतर है कि इस टाइप के सेंटेंसेस को जब भी आप अपने फ्रेंड से मिलो, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिससे पहली बार मिल रहे हो, दिन की शुरुआत कर रहे हो, तो इस टाइप के बिहेवियर में इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, उससे फ्लुएंसी बनते चली आती है अपने शरीर में, अपने दिमाग में वो फ्रिक्वेंसी बनती चली आती है, वो फ्रिक्वेंटली तरीका ईजाद होते चले आता है कि हमें बोलचाल की भाषा में टंग मूवमेंट को इस्तेमाल करते समय उन शब्दों में अड़चन नहीं आती है। अदरवाइज़ हम कभी कभी अपनी टंग मूवमेंट हैंग होने लगती है, जब बातचीत करते हैं अचानक से हम बोलने लगे तो टंग मूवमेंट हैंग हो जाती है, क्योंकि दिमाग को समझ में ही नहीं आता है, शब्द पकड़ ही नहीं पाता। इसीलिए आइए आगे देखते हैं, 1945 का वर्ष था, इट वॉज 1945, 9 बजा, इट इज़ 9 o'clock, ठीक 9 बजा, इट इज़ जस्ट 9 o'clock। तो इस तरीके के छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर बाद में हम जब एक फ्लो पा लेते हैं, एक फ्लो में आ जाते हैं, तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम फ्रिक्वेंटली उसको बोलते चले आते हैं, ईजीली उसको उन शब्दों का इस्तेमाल करते चले आते हैं, तो फिर हमको उस चीज़ में दिक्कत नहीं आती। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।